आवासीय योजनाओं के निर्माण में सफलता से एक कदम आगे बढ़ाते हुए आवासन मंडल ने जयपुर के शहरी विकास में 8 योजनाओं से नया आयाम जोड़ा है। इसके तहत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने आवास से 2 आवासीय योजनाओं, 50 ओपन जिम, जगतपुरा में संपर्क सड़क की योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही प्रताप नगर के 2 सामुदायिक केंद्रों, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का लोकार्पण किया। प्रताप नगर और मानसरोवर चौपाटियों के टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हाउसिंग बोर्ड ने अपनी आवाज बनाने की पारंपरिक छवि से बाहर निकलते हुए एसटीपी, जिम, सड़क सुदृढ़ीकरण, चौपाटी और सामुदायिक केंद्रों के बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया है। बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरी गुणवत्ता और स्तरीय बनाने के मद्देनजर हाउसिंग बोर्ड को सरकार की ओर से जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ऐसी ही 8 योजनाओं का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने आवास से शुभारंभ और लोकार्पण किया। इन योजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण प्रताप नगर के सेक्टर 24 में आवासीय योजना, 315 करोड़ रुपए के एनआरआई स्काई पार्क आवासीय योजना, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK के 166 फ्लैट्स शामिल। प्रताप नगर के सेक्टर 19 में RAS, RPS, RJS अफसरों की योजना, 127 करोड़ रुपए की स्टेट सर्विस रेजिडेंसी आवासीय योजना, HIG प्रथम, द्वितीय और तृतीय के कुल 175 फ्लैट्स शामिल। मानसरोवर में फार्म हाउस आवासीय योजना, 1500 से 1800 वर्ग मीटर के 8 फार्म हाउस शामिल। 4,65,00,000 रुपए के 2 सामुदायिक केंद्र प्रतापनगर के सेक्टर 3-5, सेक्टर 26 में सामुदायिक केंद्र, मानसरोवर इंदिरा गांधी नगर में 5 MLD क्षमता के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 14,50,00,000 रुपए की लागत से बने हैं सीवरेज प्लांट। आवासन मंडल ने बुक माई चौपाटी ऐप लॉन्च किया। प्रतापनगर, मानसरोवर चौपाटियों में आने वाले लोगों को मिलेगी सुविधा। आवासीय योजनाओं के दूसरे चरण में पार्कों में 50 ओपन जिम, 1,11,00,000 रुपए की लागत से बने ओपन जिम, 48 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा की 200 फीट चौड़ी 4 किलोमीटर 700 मीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इसके जरिए आवासन मंडल ने ये मिथक तोड़ा है कि वो सिर्फ आवासीय योजनाओं को पूरा करता है। तो मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार जो है आवासन मंडल आज ये करके जो है अपने आप को सक्षम कर चुका है। 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर आज तक कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस आवासन मंडल के ताले लगाने के लिए तैयारी की जा रही थी वो आवासन मंडल आज 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर साल में ले रहा है। कितने बड़े बड़े काम किए गए हैं, चौपाटी बनाई गई है, वो चौपाटी देखिए आप कितनी पॉपुलर हुई है, नई चीज़ बनाई गई है, तो नए इनोवेशन जो हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जो है जनता को भी लाभ मिल रहा है। आज की डिमांड क्या है जनता की, ये देख करके जो है आवासन मंडल काम कर रहा है। वही प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि मंत्री धारीवाल के कहे अनुसार मैंने आवासन मंडल के सारे काम पहली बार में करवाए। आवासन मंडल की पहचान ये थी कि छोटे मकान बनाएगा, लेकिन अब आवासन मंडल की पहचान एकदम बदल गई। आवासन मंडल का जो आपने निर्देश दिए थे भाई अपने दायरे से बाहर छोटे मकान तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो 4500 मकान बन रहे हैं और 3000 का लगभग सारे राजस्थान के हर शहर को कवर किया है सर। और पिछले वीक हमने मीटिंग ली थी सर कि जिन शहरों में आवासन मंडल नहीं है वहां भी हम लैंड एक्वायर करके हर शहर में, हर नगर पालिका में हमारे आवासन मंडल की सेंक्शन आपसे लेंगे और हर नगर पालिका में कहीं कहीं आवासन मंडल के मकान बनेंगे। हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि हमने इस बार निजी बिल्डर्स से भी स्तरीय काम किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर इंजीनियर और वर्कर भी हमारी टीम में शामिल है। हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक करके तय समय में काम पूरे किए। पवन अरोड़ा ने आगे कहा कि मानसरोवर में इकोलॉजिकल जोन था, जैसे में वहां आवासीय योजना नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों पर वहां फार्म हाउस विकसित करने की शुरुआत की। मुझे सर आपको बताते हुए खुशी है कि आज हम यहां आपके कदमों से 3 बहुत ही बड़ी आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ कराने जा रहे हैं, साथ ही कई लोकार्पण होंगे। यदि मैं इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं आपको, तो पहला जो कार्यक्रम है वो है NRI स्काई पार्क आवासीय योजना का शुभारंभ। इसमें 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK के फ्लैट्स बनाए गए हैं और पहली बार आवासन मंडल ने करवट लेकर के निजी बिल्डरों से भी, मैं कह सकता हूँ, आगे बढ़ करके इस दिशा में कदम उठाया है।
और ये आप ही की सोच का परिणाम था, आपका विजन था कि जयपुर में इतने बड़े लग्जरी फ्लैट्स आने चाहिए कि एक फ्लैट 5,000 स्क्वायर फीट से ऊपर का हो, एक फ्लैट 4,000 स्क्वायर फीट से ऊपर का हो, एक फ्लैट 3,000 स्क्वायर फीट से ऊपर का हो। तो वो परिकल्पना आज यहाँ साकार होने जा रही है। दूसरा, जिस तरह से ऑल इंडिया रेजिडेंसी के अधिकारियों के लिए हमने फेज़ वन और फेज़ टू लॉन्च किया है, उसको देखते हुए सारे स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों की भी ये मांग थी कि हमारे लिए भी ये आवास उपलब्ध कराए जाएँ। तो अब ये योजना हम लाए हैं जिसमें, जिसका नाम है SS रेजिडेंसी, स्टेट सर्विस रेजिडेंसी। इसमें 175 फ्लैट हैं, जहां ऑल इंडिया सर्विस के फ्लैट बन रहे हैं उसके सामने की तरफ ही है, अच्छी लोकेशन है, और इसमें राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारी भाग ले सकेंगे। UDH मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर हुए कार्यक्रम में हाउसिंग बोर्ड के कई अधिकारी मौजूद रहे। आवास पर फ्लैक्स के जरिए योजनाओं के निर्माण, लागत सहित कई जानकारी सामने रखी गई। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।